मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावंड मेरे तुम्हें याद करते करते यूट्यूब चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। वैसे फिल्म संगीत में लता आशा जी का स्थान सूरज की तरह तेजोमय है, कायम है, अटल है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ स्त्री गायकों ने फिल्म संगीत में अपना बड़ा योगदान दिया है, जैसे कि राजकुमारी, नूरजहां, उमा देवी, सुलोचना कदम, शमशाद बेगम, गीता दत्त, सुमन कल्याणपुर से लेकर श्रेया घोषाल तक कई गायिकाओं ने अपना अलग अलग अंदाज में गाने पेश किए हैं, अपना योगदान दिया है। इन्हीं में से एक गायिका है जिसका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ, उनका जन्मदिन है। वो गायिका है सुधा मल्होत्रा जी। 30 नवंबर 1936 में लाहौर में उनका जन्म हुआ था। सुधा मल्होत्रा ने एक अपना अलग अंदाज पेश किया है कई गानों में, उनके आवाज़ में एक नज़ाकत है, एक नशा है। तो कितने भी कम गाने उन्होंने गाए हैं, लेकिन जो गाए हैं वो ऐसे गाए हैं जो आज तक अमर है, हम उन्हें भुला नहीं सकते। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, ज़ुल्फ़ और रुख़सार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। Oh,
ये गाना पेश किया था पार्श्व गायक श्रीकांत कुलकर्णी और पल्लवी केळकर ने। इस गाने की खासियत यह है कि ये इस फिल्म जो रिलीज़ हुई थी 1959-60 में, उसका नाम था दीदी। गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने और संगीतकार थे एन दत्ता। और एन दत्ता कुछ वजह से कुछ बीमार थे और इसलिए ये जो गाना आपने सुना उसकी धुन भी सुधा मल्होत्रा जी ने बनाई थी। वैसे तो सुधा मल्होत्रा जी 5 साल की उम्र में ही गाना गाने उन्होंने शुरू किया। उनके परिवार के सदस्य उनके गाने से प्रभावित हुए। जब वो 6 साल की थी तो एक रेड क्रॉस के प्रोग्राम में उन्होंने गीत गाया था बाल कलाकार के हैसियत से। तो गुलाम हैदर जी संगीतकार, उन्होंने सुधा की आवाज़ सुनी और बोले कि इसका भविष्य उज्ज्वल है। और वो जब 11 साल की थी तब अनिल विश्वास उनके आवाज़ से इतनी प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उनको पहला ब्रेक दिया फिल्म संगीत में। वो फिल्म का नाम था आरजू मिला दे नैन, इस तरह का वो गाना था और वो भी पॉपुलर हुआ था। वैसे तो सुधा मल्होत्रा ने कई संगीत बुज़ुर्ग कलाकारों से शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की। वैसे तो उनमें से जिक्र करना चाहता हूँ देशबंधु सेठ नाम था उनका, हुसनलाल भगतराम संगीतकार, उन्होंने भी उनको मार्गदर्शन किया। उन्होंने पतियाला घराना, पंजाबी घराने का भी अध्ययन किया। और हुसनलाल भगतराम जो संगीतकार थे उन्होंने सुधा मल्होत्रा जी को रियाज कैसे करना है उसका मार्गदर्शन किया। सुधा मल्होत्रा की आवाज़ से बहुत संगीतकार प्रभावित हुए। उन दिनों संगीतकार एचडी बर्मन ने भी काला बाजार के लिए ना मैं धन चाहूँ रत्न चाहूँ वो गाना सुधा मल्होत्रा और गीता दत्त की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था, गीत लिखा था शैलेंद्र जी ने। और संगीतकार रोशन तो इतने प्रभावित हुए कि आपको याद होगा वो गीत बरसात की रात के जो कवाली इश्क इश्क है उसमें भी सुधा मल्होत्रा का सहयोग था। संगीतकार रोशन ने फिल्म बाबर के लिए सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में कई गज़लें पेश की। तो प्रस्तुत है एक गज़ल फिल्म बाबर, सलाम हसरत कबूल कर लो।
बाबर की एक गज़ल पेश कर रही थी पल्लवी केळकर। सुधा मल्होत्रा का परिवार जब पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान आया तब वो पहले दिल्ली में रहते थे, बाद में वो बम्बई आए, सुधा जी बम्बई आए उनके नाना जी के साथ, वो बांद्रा में रहते थे और उनके घर में बहुत बढ़िया बुज़ुर्ग कलाकारों का आना जाना रहता था, जैसे कि दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, तलत महमूद, मन्ना दास साहब, इसलिए वातावरण ही कुछ अलग था। दिलीप कुमार जी भी उनकी आवाज़ से प्रभावित हुए थे। राज कपूर जैसा आदमी शोमन राज कपूर, वो इतने प्रभावित हुए कि सुधा मल्होत्रा को उन्होंने अपनी फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में ब्रेक दिया और वो गाना था माता ओ माता, बाल कलाकार पर वो चित्रित किया गया था। सुधा जी ने इतने फीलिंग्स के गाया, उसमें कुछ सिसकियाँ भी थी, राज कपूर इतने प्रभावित हुए थे, पहला ब्रेक दिया उन्होंने उनके आर के प्रोडक्शन में और वो गाना एक टेक में ओके हुआ था। उसके बाद में सुधा मल्होत्रा 22 साल की, तब उनकी शादी हो गई और उन्होंने बाद में गाना बंद कर दिया था, लेकिन 1970 के आसपास राज कपूर जी ने सुधा मल्होत्रा की एक गज़ल सुनी और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको प्रेम रोग फिल्म के लिए बुलाया। तो सुधा जी ने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैं गाना तो बंद किया है, अभी क्या करूँ? तो बोला राज जी ने बोला है तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो वो गाना था ये प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना मुझे पता। लक्ष्मीकांत पहलवाल का संगीत निर्देशन था। लक्ष्मीकांत पहलवाल घर में जाके उन्होंने रिहर्सल की और 100 म्यूजिशियंस थे वो रिकॉर्डिंग में, और इतने साल के बाद में भी वो गाना एक टेक में रिकॉर्ड हुआ। सुधा मल्होत्रा ने कई भाषाओं में गीत गाए हैं, मराठी भी गाने उनके पॉपुलर है। मराठी भावगीत में जो माइलस्टोन है शुक्रतारा मंदवारा, जो अरुण दाते के साथ सुधा जी ने गाया है, श्रीनिवास खड़े जी का संगीत है, वो तो आज भी उतनी ही लोकप्रियता की चोटी पर है जो 1962 से आज तक वो लोकप्रियता कायम है। और एक मराठी गाने का मैं जिक्र करता हूँ कि जो भाव सरगम प्रोग्राम होता था, ये किस्सा मुझे संगीतकार यशवंत देव जी ने बताया था कि वो प्रोग्राम में कुछ गाने 15 मिनट के रिकॉर्ड कर रहे थे यशवंत देव साहब, लता जी का गाना 5 मिनट का हुआ, आशा जी का 5 मिनट का हुआ और 5 मिनट बैलेंस थे। उस समय जे के उपाध्याय नाम के कवि थे, उनका उन्होंने एक गीत लिखा था, उस पर संगीतकार यशवंत देव ने कंपोज किया और धुन बनाई और सुधा जी के आवाज़ में रिकॉर्ड किया और वो गाना इतना पॉपुलर हुआ, विसरशील खास मला, और ऑल इंडिया रेडियो पर 10 साल वो बजता रहा। लेकिन HMV को लगा कि ये गाना डल है, इसलिए उन्होंने उस समय उसकी रिकॉर्ड नहीं निकाली। लेकिन बाद में 10-15 साल के बाद में आशा जी को गाना ये इतना पसंद आया कि HMV ने आशा जी के आवाज़ में ये गाना फिर से रिकॉर्ड किया, विसरशील खास मला। विसरशील खास मला दृष्टियाड होता, विसरशील खास मला दृष्टियाड होता, वचने विसरशील खास मला दृष्टि आड़ झाल्यावर सृष्टि निराळी, व्यवसाय ही विविध विविध विषय भोवताली, गुंतता विसरशील खास मला स्वैर तो विहंग अंबरात विहरणारा, स्वैर तो विहंग अंबरात विहरणारा, वशही वशी जादुगारा, लाभशील माझा मज केवी जसा होता,
विसरशील खास मला पेश कर रही थी पल्लवी केळकर। सुधा मल्होत्रा की ज़िंदगी में साहिर लुधियानवी का एक अलग स्थान है। जो सारे गीत सुधा मल्होत्रा जी ने गाए हो बहुत सारे साहिर लुधियानवी के हैं, कुछ अपवाद छोड़कर। उन्होंने सुधा जी को प्रमोट करने का भी प्रयत्न किया, कई संगीत प्रोड्यूसर के से मिलकर कई गाने सुधा मल्होत्रा जी ने साहिर लुधियानवी के लिए गाए हैं। एक सुधा जी भी उनके बारे में कहती है, साहिर साहब का एक एक गाना एक एक नगीना है, कमाल की शायरी है। इसलिए कई संगीतकारों ने वो गाने रिकॉर्ड किए, जैसे रोशन का मैं जिक्र किया, एन दत्ता जी का जिक्र किया। और एक वाक्य मुझे आपको कहना चाहिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि उस ज़माने में साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे पास खड़े मुस्कुरा रहे हो तुम। और ये गीत गाया था चेतन आनंद जी की फिल्म आ रही थी उसके लिए, सुधा जी और गीता दत्त की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड भी हुआ था, लेकिन वो फिल्म अधूरी रह गई। बाद में ये गाना मिलाने का बहुत प्रयत्न किया कई प्रोड्यूसर्स ने, सुधा मल्होत्रा जी ने भी प्रयत्न किया, लेकिन उस समय चेतन आनंद जी का स्वर्गवास हुआ। लेकिन बाद में ये गाना यश चोपड़ा जी को मिला और उन्होंने अपनी फिल्म कभी कभी में उसको इंक्लूड किया, जो लता जी ने और मुकेश ने गाया। देखिए कैसे तकदीर का खेल, जो अमर गाना भी है कभी कभी, जो वो पहले गाया था सुधा मल्होत्रा जी ने। वैसे तो अभी किशोर कुमार भी उनके साथ उन्होंने ड्यूएट गाया है, एक फिल्म आई थी गर्लफ्रेंड, जिसे साहिर लुधियानवी ने गाना लिखा था और हेमंत कुमार ने स्वरबद्ध किया था। कश्ती का खामोश सफ़र है, सफर है शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। कश्ती का खामोश सफर है शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, लेकिन ये शर्मीली निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेताब उमंगे थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है,
जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बात ना खो बैठू, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठू। कब से तुम्हारी रस्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ, कह भी चुको जो कहना है मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुँह से क्या कहना है, आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है। कह भी चुको जो कहना है, छोड़ो अब क्या कहना है। इस गाने को पेश किया था प्रमोद तळवडेकर जी और पल्लवी केळकर जी ने। किशोर कुमार जी के बारे में सुधा मल्होत्रा जी कहती है कि ये एक ऐसा गायक है वो कुछ भी गा सकता है, और वो जो नज़र आते हैं उछल कूद करने वाले, रिकॉर्डिंग के समय वो बहुत सीरियस रहते हैं, वैसे इंट्रोवर्ट भी है, वो अलग एक्सपीरियंस सुधा जी ने बताया है। वैसे सिर्फ किशोर कुमार के लिए ही नहीं, गायिकाओं के लिए सुधा मल्होत्रा जी रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करती है। लता जी, आशा जी, सभी ने उनको बहुत सारा सपोर्ट किया है। कभी इसके बारे में कई घटनाएं घटी कि तकदीर उनके साथ नहीं थी सुधा मल्होत्रा जी के साथ, फिर भी कई गायिकाओं ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी के बाद में उन्होंने गाना ही बंद किया, नहीं तो वो और कई यशस्वी गाने गा सकती थी। इतना तकदीर ने खेल किया कि विसरशील खास मिला जो वर्षन सॉन्ग आशा जी ने बाद में गाया, कभी कभी मेरे दिल में लता और मुकेश जी ने गाया, लेकिन उसके बारे में सुधा मल्होत्रा जी ने कभी नाराज़ी व्यक्त नहीं की, क्योंकि वो अच्छी गायिका होने के बावजूद अच्छी इंसान भी है। तो आज हम उन्हें स्पेशल ट्रिब्यूट जो किया है उनके जन्मदिन के अवसर पर, उन्हें हम बधाई देते हैं। और आज 85 साल की वो हो गई है, फिर भी उनका गाना घर में शुरू है, आज भी उनका रियाज शुरू है। तो ऐसे गायक कलाकारों को मेरे तुम्हें याद करते करते चैनल की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है मैंने जो आज पेशकश आपके सामने रख दी सुधा मल्होत्रा जी के बारे में, वो आपको पसंद आएगी। मेरे तुम्हें याद करते करते चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।